हाँ कबीर, हेलो। कौन बोल रहा है? तू कौन है ये बता, या फिर अपना नाम बताने से डर लग रहा है? कैप्टन राम। गुड, यू नो माय नेम। मैं वो काल हूं जो तेरे बिजनेस का नामो निशान मिटा दूंगा। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ऑल द बेस्ट। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए? मेरे जैसे आए होंगे, मगर मैं नहीं। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। भाभी, सब लोग मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छी जिंदगी मिले, मगर तुम्हारे भैया ने उनके लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दी, मगर उन्हें उन्हें मार डाला। अब राम, ये क्या किया तुमने? आर यू क्रेजी? अब एक मिनट रुको। It's bleeding. Oh God. अब I'll get the bandage. राम, मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर एक बात का ध्यान रखना, बदला लेने से तुम्हारे भैया वापस तो नहीं आ जाएंगे। भाभी, जिंदगी में दो दिन बहुत जरूरी होते हैं। एक जब हम पैदा होते हैं और दूसरा जिस दिन हमें जिंदगी का मकसद मिलता है। आज मैं आपसे एक वादा करता हूं, मेरे भाई की मेहनत जाया नहीं जाएगी। आपने सही कहा, बदला लेने से मेरा भाई वापस नहीं आएगा, लेकिन उन्हें माफ कर दूं, इतना अच्छा इंसान नहीं हूं मैं। तो यह है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखने आया हूं, और दूसरी बात, तुम्हें तुम्हारी मौत का ट्रेलर दिखाने। तुमने दो बड़ी गलतियां की, पहले अपने देश से गद्दारी और दूसरा मेरे भाई की हत्या। दोनों की सजा मिलेगी। तुमने मेरे भाई का तो मार दिया, मगर उसके मकसद को नहीं, और उसे मैं पूरा करूंगा। क्या करेगा तू? तेरा भाई जब लापता हुआ, तभी तुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या कर सकता हूं। तूने एक ऐसे फौजी से दुश्मनी ली है जो अपने देश के लिए अपने बॉर्डर पर लड़ता है, कोई गली का गुंडा नहीं है। दुश्मन चाहे कितना भी अच्छा हो, हम उसे मारने में एक सेकंड का वक्त जाया नहीं करते, ना ही उस पर रत्ती भर दया दिखाते हैं। तुम दोनों तो इस देश के गद्दार हो, विश्वासघात किया तुमने इस मिट्टी के साथ। बहुत अय्याशी कर ली तूने, लेकिन अब तेरी मौत बहुत भयानक होगी। इतनी भयानक कि तेरी रूह कांप जाएगी, तेरी रूह कांप जाएगी। हैप्पी बर्थडे भैया। ओह,
आज इनका भी बर्थडे है। मुझे पता नहीं कि भाई का जन्म कब हुआ था। वो हमेशा अपना बर्थडे मेरे बर्थडे के साथ सेलिब्रेट करते थे। चलिए ना, केक काटिए। मुझे नहीं आना। ये क्या, बच्चों जैसी जिद क्यों कर रहे हैं? केक काटिए ना। वो नहीं आएगा। हमारी खुशी के लिए ना सही, कम से कम बाहर जो मेहमान आए हैं उनकी खुशी के लिए तो केक काटिए। नीतू, मुझे पता नहीं मेरा जन्म कब हुआ। मैं अपनी सालगिरह अपने भाई के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगा। क्या हुआ? हेलो भाभी। हेलो राम। लुकिंग नाइस। हाय चाचू। हे, हाउ आर यू? आई एम फाइन। राम, तुमने तो कहा था नहीं आओगे। ए, ऐसे अचानक कैसे? क्यों नहीं आना चाहिए? शुगर है, आ गए। उसने कहा तुम्हारे बिना बाहर नहीं आएगा। किसने? और कौन, तुम्हारा भाई जिद पकड़ कर बैठा है। अब मैं आ गया हूँ तो भाई भी आ ही जाएंगे। चांस ही नहीं है। एक बार नजरें तो घुमाइए। राम Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to your bhai. Krishna. खाना बहुत टेस्टी है। बस 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 बस, और नहीं, मेरा पेट भर चुका है। अरे तेरा पेट अब तक नहीं भरा क्या? भूल गया था, मेरा पेट भी भर गया है। ए, तुम दोनों मिलकर कोई प्लान बना रहे हो ना? नहीं, तो चुप रहे, मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत ले। मेरा भी पेट भर ही गया है। साले साहब, आपकी बहन ने इतने प्यार से खाना बनाया, पेट भर के खाइए और सो जाइए। जब से आपका भाई वापस आया है तब से आप ओवर एक्टिव हो गए हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे मुझे छोड़ के मैं अभी आया हूं। मेरा भाई इतने दिनों बाद आया है, उससे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। हाँ। अरे मुझे फंसा कर कहाँ जा रहे हो? मैं भी इतना मीठा नहीं खाता। मैं आप तो खाओ। मुझे यहाँ फंसा दिया, छोड़ूंगा नहीं। भैया ने मुझे कभी अपने से अलग नहीं समझा, हमेशा अपना ही एक हिस्सा माना। हाँ बोलो, क्या हुआ? नमस्ते कैप्टन राम। आज देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों, सांप सूंघ गया क्या? परिवार के सामने देश का प्यार फीका पड़ गया ना? मुझे लगा तू शेर की तरह गरजते हुए आएगा, लेकिन तू तो गीदड़ की भांति मेरे सामने आकर खड़ा है। जानता है मेरा क्या कहने का मन कर रहा है? चल सांप के सामने सलामी मार। बड़ा आया देशभक्त। तू एक पॉलिटिशियन है और सैनिक के बारे में इससे ज्यादा नहीं जानता। गलती तेरी नहीं है, उन लोगों की है जिन्होंने तुझे वोट दिया। बंद कर तेरी चपड़ चपड़। हमें लोगों ने वोट दिया भी और हम जीत भी गए। अब कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन। तू उस गाड़ी में बैठ के जाएगा, आगे एक्सीडेंट होगा और उसी के साथ तेरे भाई का जेनेरिक मेडिसिन का सपना और तू, दोनों बूम। ओम नमः शिवाय। मिस्टर राम, या आपके नाम अरेस्ट वारंट है, प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते। आपका मिलिट्री से कोर्ट मार्शल हो चुका है, हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको अरेस्ट करके उनके हवाले कर दें। हमारे साथ चलिए प्लीज। मुझे 2 मिनट देंगे बात करने के लिए। ओके, थैंक यू। रितु को कुछ होना नहीं चाहिए। इसने ऐसा क्यों कहा? क्या हुआ, प्लान चेंज हुआ है क्या? नहीं, तुम उसे लाने के लिए पहुंच गए। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, मगर पुलिस आकर अभी उसे ले गई। कहती है कि उसे कोर्ट मार्शल हो गया, वो उसे आर्मी के हवाले करने वाले हैं। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। एक बात तो तय है, जब तक लड़की हमारे पास है
उसे आना ही होगा। देश में अगर कोई भी मुसीबत में हो तो उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारे भाई की बेटी हमारे देश की नागरिक है, उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद सर। yeah. आपके रेजिमेंट के लोग टेक ओवर कर लेंगे सर। थैंक्स। आपके अरेस्ट होने के बाद उसने मिनिस्टर को कॉल किया था। लोकेशन? कॉल इस टावर से की गई थी सर। ये टावर चिकपेट मार्केट में है। वो फिर से कॉल करेगा। लेट्स वेट सर। वो मिनिस्टर फिर से कॉल कर रहा है। लोकेशन बताओ। आई थिंक वो एवेन्यू रोड के पास है। हम उसका जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं सर। स्टार्ट द ट्रैकिंग। नंबर ट्रैक करो सर। होम मिनिस्टर को ये इन्फॉर्मेशन पास करो। ओके? यस सर। हेलो, मैं अभी मार्केट में हूँ, आते वक्त मैं खाना लेके आऊँगा। हाँ हाँ, बच्चे के लिए कपड़े भी लेके आऊँगा। देख के नहीं चल सकते क्या? ये लो। सारा सामान गिरा दिया। हेलो। तुझे क्या लगता है एक तू ही समझदार है इस दुनिया में? समझदारी का जूस मैं रोज सुबह पीता हूँ मुन्ना। मैंने तुझे तेरे ही जाल में फंसा दिया, पता चला तुझे? इसे राजनीति कहते हैं मेरे देशभक्त। अब आगे क्या करना है तुझे खुद पता है। आ जा।